वालेकुम। आज मैं आपको द अर्थ इन स्पेस के बारे में बताऊंगी। आज सबसे पहले मैं आपको मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में बताऊंगी। अर्थ की मूवमेंट दो तरह से होती हैं, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकंड रेवोल्यूशन। जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। ये असल में हमारा सूरज नहीं घूम रहा होता, ये हमारी अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अब मैं आपको एक्सिस के बारे में बताऊंगी। द इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ स्पिन्स इज कॉल्ड एक्सिस। वो तस्वराती लाइन जिस पर अर्थ घूमती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पर इस तरह तिरछी घूमती है। अब मैं आपको रोटेशन के बारे में बताऊँगी। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। इसके नतीजे में दिन और रात बनते हैं। जो अर्थ के सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पर दिन होता है, जो अर्थ के मुखालिफ सिंध में होता है वहाँ पर नाइट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो अर्थ के आगे वाला हिस्सा है वहाँ पर दिन है, और जो अर्थ की मुखालिफ सिंध में वहाँ पर नाइट है। अब मैं आपको रेवोल्यूशन के बारे में बताऊँगी। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट्स आल्सो मूव्स अराउंड द सन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, इसी तरह वो सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है। इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है। अब मैं आपको ऑर्बिट के बारे में बताऊँगी। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड पाथ इट इज कॉल्ड ऑर्बिट। जैसे कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और मून ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है एक महसूस रास्ते पर, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अब मैं आपको सीजन्स के बारे में बताऊंगी। सीजन 4 तरह के होते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। जैसे कि हमारी ज़मीन इस तरह तिरछी होती है और जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा होता है वो पीछे होता है, इसलिए वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जा रही होती, वहाँ पर विंटर होता है। जो साउथ पोल वाला हिस्सा होता है वहाँ पर समर होता है। और जब आज यहाँ पर घूम के इस तरह आती है, जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा होता है वहाँ पर समर होता है और जो साउथ पोल वाला हिस्सा होता है वहाँ पर विंटर होता है। थैंक्स।